नवीन क्या कर रहे हो? ये तेल मेरे को डॉक्टर ने दिया बड़े अच्छे से यार, उन्होंने कहा तू घोड़ा बन जाएगा। नवीन नवीन ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? सूफी अंसारी आया से चल। अरे मैं तो सपने में कर रहा था। दोस्तों आप लोग कहाँ से आ गए? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रहे जा। यार तू तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, गलत ना लेना, मैं अपने घुटने की मालिश कर रहा हूँ ऐसे करके, है ना फ्रेंड्स? तो समझ गए ना कि ये कौन सी मालिश वाला डबल मीनिंग प्रैंक है, या फिर आप समझ सकते हैं मास्टर साहब वाला प्रैंक भी तो बोल सकते हैं ना इसको। तू समझा? समझ गए ना मास्टर साहब जी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर जाओ सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे वीडियो के एंड में। और एक चीज ध्यान रखना कि पूरी वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का जवाब देने के चक्कर में जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप कर दो तो वीडियो का मजा भी नहीं ले पाओ, है ना। और साथ के साथ क्वेश्चन को देखने के चक्कर में जल्दी और कमेंट जल्दी करने के चक्कर में आप आंसर को क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आंसर भी ध्यान से नहीं दे पाते हो। सही आंसर देने का जो सही तरीका है वो ये है कि करेक्ट टाइम 8:30 बजे वीडियो जब पब्लिक होती है तो उसी टाइम पे वीडियो को देखो टाइम से, तो अपने आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन भी सही पे आ जाएगा और आप उसका आंसर भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो सही चीज ये है। और जब इंस्टाग्राम पर अपना फोटो भेजो तो अपने उस नाम के साथ भेजो जिस नाम से आपका यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आपकी भाभी का आने का इंतजार करते हैं तभी हम प्रैंक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आई होप आज बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, ठीक है। मच लेटर। नवीन क्या कर रहे हो? क्या नहीं? क्या कर रहे हो कम्बल में? गंदी गंदी आवाजें निकाल रहे तरह तरह की। कम्बल खाने के लिए नहीं बोला? क्या कर रहे हो बताओ? जो मैं सोच रही शायद वही कर रहे हो ना? वैसा लग रहा होगा तो मैं, पर मैं मालिश कर रहा हूँ वहां पर। मालिश कर रहे हो? मालिश कर रहा हूं मैं, एक तेल लेकर आया हूं। तुम गुस्सा मत करना बस। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई मालिश की? एक बात बताओ यार, मालिश की जरूरत सभी अंगों को होती है, पूरी पूरी आदमी बॉडी मसाज कराता है, क्यों कराता है? कि ब्लड प्रेशर, रक्त का बहाव हर जगह बहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, रक्त हर जगह बहे, पूरी बॉडी की मसाज आदमी क्यों कराता है? इसीलिए तो कराता है ना, तो इसीलिए हर बॉडी पार्ट को बॉडी मसाज की जरूरत है। तो मैं एक तेल लेकर आया हूं, ये तेल मेरे को डॉक्टर ने दिया बड़े अच्छे से यार, उन्होंने कहा ये ले जा दोस्त और आज से तू घोड़ा बन जाएगा। घोड़ा? वाह पागल हो क्या? ये क्या उल्टी सीधी चीजें लगा रहे हो, कोई साइड इफेक्ट हो गया तो? नवीन इधर भाग के तो यहां मत करो, ये मालिश वाली जो भी करनी है जाकर के टॉयलेट में करो, बाथरूम में जाकर के, यहाँ नहीं अच्छी लगती है ये सब, रूम में बैठ के मेरा कम्बल गंदा कर रहे हैं। मेरे कम्बल टॉयलेट में करते मालिश? नहीं तो ये कम्बल में करते ए, 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 करते हुए टॉयलेट में कौन करता है यार? तो करो ना, ये कौन सी बात है, तरह तरह की आवाज निकाल लो गंदी गंदी।
मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना, कंफर्टेबल यार, बाथरूम में कैसे करूंगा। तुम्हें जरूरत क्या पड़ गई मालिश की? क्या जरूरत है तुम्हें घोड़ा बनने की? इंसान रहो, इंसान बने रहो। तुम घोड़ा बनने की, जानवर बनने की जरूरत नहीं है तुमको। इंसान इंसान के रूप में अच्छा लगता है, जानवर बन के नहीं। घोड़े को घोड़ा, मतलब हर चीज को आदमी घोड़े का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है मालूम है? हाँ। बिना सोए, बिना रुके, बिना थके वो काम करता रहता है। इसी तरीके से मुझे भी जरूरत है, हर जगह काम 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 करने की। बड़ा हरामी हो बेटा। काम करने की, कौन है वो महान डॉक्टर जिसने तुम्हें ये घोड़े वाली दवाई दी है, घोड़े वाला तेल? डॉक्टर को मैंने बताया कि मैं कहाँ 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 बिजी रहता हूँ, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी कहाँ कहाँ बिजी रहता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला बिजी रहती हो काम में। काम 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 का तो पुजारी हूँ मैं। काम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो दिमाग तो सही है, किस तरह की बातें कर रहे हो ये उल्टी सीधी? और तुम क्या ये डॉक्टर को क्या क्या बात बता के आई हो उसको? क्या क्या बोल के आई हो उसके सामने? डॉक्टर को मैंने बताया, डॉक्टर साहब कि हफ्ते में मुझे कितना काम करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने मेरा स्टेमिना बनाए रखने के लिए मुझे दिया है ये कि जा बच्चा, इस तेल से मालिश कर, तेरे उस अंग में, अंग भंग में ऐसा रक्त का संचार होगा कि वो तेरा घोड़े जैसा काम करेगा। तुम बन गए हो जानवर, दिख रहा है तुम्हारी शक्ल से, बन गए हो तुम घोड़ा। बूस्टिंग द सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी। बस करो, पागल हो क्या यार, दिमाग खराब है? तुम जाओ ना यार, रंजना तुम्हें काम पर नहीं है क्या किचन में यार? ज्यादा घोड़ा बनने के चक्कर में ना ज्यादा मत यूज कर लेना, मुझे मत सिखाया ठीक है, मुझे मत सिखाया करो ठीक। किसको सिखाऊं फिर? किसको सिखाऊं, प्रिया ही मुझे सिखाने। तुम अपोजिट जेंडर, तुम अपना जानती हो, हम अपना जानते हैं, तुम मुझे कैसे सिखा सकती हो? इतना तो नॉलेज होती है ठीक है, इतना तो नॉलेज होती है ना भाई। पहली बार देखा है कि इस चीज से, जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए उस चीज से तुम मुझ पर गुस्सा करती हो। मुझे पता है तुम्हें किस किस चीज में मिलती है और तुम्हारे कौन कौन से काम है, ऑफिस में, बबली से और बाहर। प्यारी समझ गई। सब समझ में आता है मुझे तुम्हारे काम। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो भी हो, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि करो इसको मालिश करो और फिर इसका चमत्कार देखो। मैंने भी कहा डॉक्टर साहब क्या क्या मजा आ जाएगा यार, डॉक्टर साहब ने जो तेल दिया चमत्कारी बताया। अरे अरे अरे, मैंने डॉक्टर का हाथ चूम लिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का हाथ भी चुमाए? हाथ मेरा गंदा है, डॉक्टर का हाथ गंदा नहीं था। ओ, औरत मर्द में फर्क होता है कुछ कि तुम आदमियों को भी नहीं छोड़ते आजकल? अरे तो मतलब फीमेल डॉक्टर होती तो हाथ चूमना चाहिए। अरे फीमेल डॉक्टर को क्या चूमोगे, क्या चूमोगे? मतलब एक कायदा होता है बाहर, मतलब किसी को भी ऐसी किस कर लेते दवा सही दी है ना। कृपया करके प्रस्थान कर जाओ ना प्लीज, मुझे मालिश कर लेने दो। डॉक्टर ने बोला है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही क्या? 20 मिनट, 20 मिनट आप मालिश करनी है अच्छे से, आंखें बंद करके जो चेहरा नजर आया उसको सोचते हुए मालिश कर रहा हूँ ना, तभी तो अच्छे से हो पाएगी ना। किसका चेहरा सोच रहे हो? मेरा? आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया। किसका आया? वो तो मैं हो, मैं हूं ना, समझ गई। ढंग से बोलो ना, किसका चेहरा नजर आ रहा है तुमको? बोलो, बोलोगे? स्माइल मत दिखाओ।
सी इज द वन ओनली वन. कौन है? कौन है? सी इज द वन ओनली वन माय सूफी सूफी सूफिया अंसारी. सूफी ऐसे मालिश करूंगी ना भैया से. मालिश गले अच्छे लगे मेरे मुंह से. मालिश करूंगी ना, मालिश करने लायक नहीं रहोगे. ये डॉक्टर है ना, ये भी तुम्हारे लायक नहीं कर पाएगा. मेरी सूफी सूफी कभी मेरा निकनेम रखा? कभी मेरा नाम इतने प्यार से बोला? रंजना का नाम कोई प्यारा सा नाम बोला कभी? रखा था रावड़ी देवी. अब डिस्टर्ब मत करने आना मुझे. आ जाऊंगी तो मेरा घर मेरा कमरा, मैं बैठूंगी यहीं पे. कर, मैं तो करूंगी डिस्टर्ब. कर लो डिस्टर्ब अब तुम. ठीक है, शर्म नहीं आती है? यार नहीं तो जो हम कह रहे, डॉक्टर ने बोला है घोड़े जैसा हो जाएगा, घोड़े जैसा हो जाएगा. घोड़े जैसे क्या हो जाएगा? घुटना और क्या. एक तो पैर में मोच लग गई थी. मोच नहीं, सॉरी, वो मैं आज ऑफिस में चल रहा था, जल्दी जल्दी चल रहा था, ऐसा टेबल का इसमें किनोर लगी, भांसों में बहरा गया मैं. तो डॉक्टर पे गया, मैंने डॉक्टर से कहा, मैं डॉक्टर साहब बड़ी मिले की दो दिन से दर्द हो रहा है, कोई तेल दे दो. गजब टूबी बाज आदमी. दे दो ट्यूब वगैरह. डॉक्टर ने बोला बच्चा ये तेल ले जा, ये चोट में भी काम करता है और अंदर से तेरा इतना मजबूत कर देगा कि तू घोड़े की तरह काम करेगा. पैर पैर मेरे पैर घोड़े की तरह काम करेंगे ना. पैर है, घुटना है ये. घुटना ही. अच्छा जी बताओ, पैर की असली जान क्या होती है? घुटना ही तो होता है ना. तो इतनी गंदी आवाज निकालने की क्या जरूरत है मालिश करने में? मालिश करने में सूफी अंसारी को याद कर रहा था ना, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि सूफी अंसारी मेरी मालिश कर रही है. तुम तो कभी करती नहीं हो. मैं खुद ही ये सोच के खुश हो जाऊं कि कोई मेरी मालिश कर रहा है. तो जब सोच के ही खुश होना है तो किसी को भी लो ना. तुमको क्यों लो करो अपनी सोच में? तुमको क्यों मैं शामिल करूं? तो सूफी अंसारी को शामिल कर लिया मैंने. चलो जाओ, है मालिश कर रहा था मैं. जाओ जाओ अपना काम कर. जाओ मेरी मालिश हो गई. जाओ इसको ना उधर रखती चली आना. ठीक है बेटा, चलो जाओ. सूफी अंसारी को बुला लो, उसी रखवा लेना. हम खुद ही रखे आएंगे. जा और आना आना मत अब. ठीक है, दोस्तों अभी मुझे पता है कि 110% एक बार और आएगी, तो इस बार जो मजा मिलने वाला है ना आपको, वो बेहतरीन मजा मिलने वाला है. ठीक है ना, समझ गए ना क्या होने वाला है? नहीं समझे? अब देख लो फिर, उसके आने का वेट करते तब करेंगे. ठीक है. 15 minutes later. नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है? कुछ काम अधूरा भी रह गया था कुछ. तुम्हारी असली हरकत पता है? तुम किस तरह के इसलिए नहीं आई थी? मुझे पता था कि तुम किस तरह की हरकत करोगे. कुछ कुछ अरमान खड़े हो जाते हैं तो कुछ सोचना तो पड़ता है ना. जो कुट जाओगे, मनसूबे अधूरे रह जाते हैं तो उन्हें पूरा करना पड़ता है यार. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो. तुम नहीं समझोगी. नहीं समझूंगी मैं. हम लेंस में क्या प्रॉब्लम होती है? कुट दूंगे अच्छे से. कुट जाओगी. क्यों कुट दोगी? क्यों कुट दोगी? तू मेरी अम्मा हो रही है, दादी अम्मा हो रही है, प्रधानमंत्री हो रही है तू. बढ़िया ही चौधरायन बनने आते. तो तेरे काम पड़े हुए ना, मैं किचन में जाके अपना माता फोड़. ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब मत करे. फोड़ दूंगी बता रही, दिमाग खराब कर दिया मेरा. बंद करो ये सब. मैं क्या बम्बू चो मुझे फोड़ देगी तू? रोटेट कितना रोटेट करोगे मुझे? मैं तुझे क्यों रोटेट करूंगा? मैं क्या बीवी हो रहा हूँ? अबे बीवियां करती हैं रोटेट, मैं तो पति हूँ.
ठीक है, बीवी नहीं हूँ। इरिटेट तू कर रही है क्योंकि तू बीवी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे इरिटेट कर रहे हो, बहुत इरिटेट कर रहे हो। इतने कुट जाऊंगे ना, अच्छे से बता रही हूँ ना, किसी लायक नहीं रहोगे। लायक ना लायक तू है, मैं तो लायक हूँ। समझी, अब इरिटेट मत कर, चाहे ऐसे चल। क्या कर रहे है ये? अरे यही तुम्हारे अरमान थे। मैं अंधेरे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पत्तों को पहचानने की। ये मेरे अरमान काफी टाइम से मेरे मंसूबे पूरे नहीं हो पाए थे। अरमान बार बार खड़े हो जाते थे कि कैसे मैं आखिर मैं अंधेरे में भी पत्तों को पहचानूं। ये जो पागलपने वाले जो तुम्हारा टैलेंट है ना, इसको ना अंदर ही रखो, नहीं तो कुट जाओगे अच्छे से। क्यों कुट जाऊंगा? प्रैंक कर रहा हूँ तो भी कुट जाऊंगा? अबे मेरा टैलेंट है ये, मेरा प्रैंक करने का टैलेंट। कभी तो छोड़ दिया, कभी तो छोड़ दू। मैंने कब पकड़ा तो छोड़ दू है? मैंने कब पकड़ा? छोड़ पकड़ के लेके आए। कभी तो छोड़ दिया करो बेचारा। कुछ ये पागल हो रहा थे। ये कौन सा तेल है? ये कौन सा तेल है? तेल तो वो है पागल, वास्तव में घुटने का है, घुटने का ही है वो। ये बंदा कभी नहीं छोड़ता मुझे पागल बनाने में। क्या कह रही है? कैमरे में बोला कर, कैमरा इधर है। हमें क्या पता है कहाँ लग रहा है? तुम तो कभी उधर मुंह फाड़ के बोल पहले। सूत्रा उधर फाड़ो पहले, आंखें उधर दिखा। मैं कह रही हूँ कि कभी तो छोड़ दिया करो प्रैंक करने में। अभी तो छोड़ दे यार, मैं पागल की तरह ब्लैक पिक्चर की तरह यूं कर रही हूँ। कम से कम मुझे एक इलेक्ट्रिक जगह तो बताओ कि किस जगह लगाया है। ऐसा है बोरा, ठीक है। पहली बात तो दोस्तों कह रहे कभी तो छोड़ दिया करो प्रैंक करने में, ठीक है। अब हम छोड़ देंगे प्रैंक करने में तो दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की ले आते हैं, तो इनको हफ्ते में दो बार छुट्टी मिल जाया करेगी, ठीक है। एक हफ्ते में पहले पहले पहली पे कर लो, फिर दूसरी पर कर लो, फिर तीसरी पे कर लो, ठीक है। अच्छा। मैं भी चैनल चलाती हूँ, ठीक है। मैं भी चैनल चलाती हूँ। हम कभी ये बोलते नहीं परेशान होके कि कभी तो छोड़ दिया करो प्रैंक करने पर दिया। इन्फॉर्मेशन, मैं भी चैनल चलाती हूँ, ठीक है। हम कभी बोलते नहीं, हम ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी के बच्चे तो पता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। जिस टाइम ज्यादा क्रूअल हो रही है, इसके अंदर की जो भावना है वो उमड़ रही है, मैं समझ रहा हूँ इसके साथ मुझे क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन पढ़ लेना, उसका आंसर दे देना, फोटो भेज देना इंस्टाग्राम पर अगर मैं कमेंट करके बोलूं तब आपके यूट्यूब पर, ठीक है। ए क्या क्या बदतमीजी है ये, कौन तरीका है ये?